दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आमने सामने हैं। गौरतलब है कि हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करके लौटे। ऐसे में उन्होंने दिल्ली प्रचार के बाद देहरादून पहुंचकर हरीश रावत और पूरी कांग्रेस को ही आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को प्रदेश की गुटबाजी से समय मिले तो जाकर वे दिल्ली में प्रचार कर सकेंगे। त्रिवेंद्र सिंह ने कांग्रेसी नेताओं के आपसी गुटबाजी में फंसे होने की बात कही। वहाँ की लड़ाई से वो बाहर निकले तो तब फिर दिल्ली पहुँचे। अभी तो यहीं कभी मसूरी में लड़ रहे हैं, कभी टिहरी में लड़ रहे हैं, कभी अल्मोड़ा में लड़ रहे हैं, तो यही लड़ाई उनकी पूरी हो जाए उसकी इंतजारी करनी होगी आपको। वही पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कांग्रेस पर हमला किया तो हरदा का पलटवार करना भी लाजमी था। हरीश रावत ने दिल्ली चुनाव पर बोलते हुए न केवल भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर हमला बोला बल्कि इस बहाने अरविंद केजरीवाल पर भी बयानी तीर छोड़े। हरीश रावत ने कहा कि दिल्ली दो जुमलेबाजों के बीच में फंसकर रह गई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी बड़े मियां तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल छोटे मियां 5 सालों तक एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। दिल्ली दो जुमलेबाजों के बीच में फंस गई है। मोदी जी बड़े मियां हैं और केजरीवाल छोटे मियां हैं। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह 5 साल से आपस में झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे हैं। और दिल्ली वालों से हमने कहा भाई हमने 15 साल के अंदर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास राजधानी बनाया, चमकाया, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, हमको फिर मौका दो। हमको इन दोनों बड़े जुमलेबाजों से बचो और इसमें काम करने वालों को लाओ, और काम करने वाली केवल कांग्रेस है। और मुझे भरोसा है कि 8 तारीख को दिल्ली का फैसला हमारे पक्ष में आना चाहिए। बता दें कि दिल्ली की राजनीति इन दिनों उत्तराखंड के नेताओं पर तर चढ़कर बोल रही है और दिल्ली चुनाव के परिणामों तक जारी रहने की उम्मीद है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।